पोरा के दिन रायपुर के रामसागर पारा स्थित जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले कई सालों से पहल दौड़ का आयोजन किया जा रहा है और अभी हम रामसागर पारा में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि जो विभिन्न लोग हैं, राउत समाज के लोग हैं, वो बैलों को बहुत खूबसूरत ढंग से सजा कर यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हैं कि बैल के जो सिर है वहाँ पर बहुत खूबसूरत सा फूल लगाया गया है, बैंड बाजा रखा गया है और तरह तरह के इसमें झांकियाँ भी बनाई गई हैं। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह से नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं कोई वारदात हो जाए, ऐसी स्थिति में कोई घटना हो जाए, ऐसी स्थिति में अगर कोई बैल गुस्से में आ जाए तो गंभीर वारदात हो सकती है। मगर परंपरा जो है पिछले कई सालों से यहाँ पर चली आ रही है और लोग देख रहे हैं कि अपना आनंद लेते हैं और अपना यहाँ पर खुशी मनाते हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जब फटाका फूटता है तो जानवर भटकने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये लोग बैल दौड़ा कितने सालों से आयोजित किया जा रहा है? ये बहुत पुराना वर्षों से है, कई सालों से हम पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से, मेरा उम्र 72 साल है। चलिए, यहाँ पे जो प्रतियोगिता होती है, ये बैल है इधर उधर भाग रहे हैं, कभी कोई दुर्घटना है, ऐसे पहले कहीं दुर्घटना हुई क्या? आज तक कभी दुर्घटना नहीं हुआ, कई सालों से रामसागर पारा परंपरा है, लेकिन दुर्घटना कभी नहीं हुआ, क्योंकि समिति सावधान रहती कोई दुर्घटना ना हो। और इससे ज्यादा बैला भी होता था उस समय, कम से कम 20 जोड़ी 25 जोड़ी बैला रामसागर पारा में जितने फोटो लगे सब बैले के मालिक थे, लेकिन कभी दुर्घटना यहाँ पर नहीं घटी। ये बताइए कि इसके पहले कभी कोई दुर्घटना यहाँ पे नहीं हुई, व्यवस्था कैसी है, कहाँ कहाँ के लोग आते थे पहले, अब कहाँ कहाँ के लोग? पहले तो रायपुर शहर के पूरे लोग यहाँ इकट्ठे होते थे और बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रतियोगिता आयोजित होती थी और आज तक यहाँ कोई ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी है। भगवान की बहुत कृपा रहती है और पूरा तो कई सालों से यहाँ ये परंपरा चल रही है। बोला उत्तर पहले तो आपने सुना कि सालों से ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है और ये तो एक संयोग कहा जाएगा, सुखद संयोग कहा जाएगा कि अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी है। मगर इसके बावजूद देश में अन्य जगह पर इस तरह के जो प्रदूषण होता है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए जाना चाहिए। और हम आपको एक बार फिर से ये जो प्रतियोगिता किस तरह से होती है, किस तरह का यहाँ का माहौल है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रामसागर पारा है जहाँ पर सामान्यता इतनी भीड़ रहती है कि और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के खासे इंतजाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है और आज इस दौड़ के लिए इस रोड को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और आज हम आपसे और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं और आपको यहाँ जो माहौल है वो दिखाने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। आज अगर हम बात करें तो इस दौड़ का पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था और विकास उपाध्याय जी जो है वो यहाँ पर आए थे, पुरस्कार वितरण उन्होंने किया है, हम उनसे बातचीत करते हैं। पिछले कितने सालों से प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है? मैंने देखा कि जो है सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि बैल है, जानवर है, कभी भी फटाके के आवाज में भटक सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, मगर देख नहीं रहा यहाँ। देखिए, ऐसी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये जितने बैल यहाँ पर आए हैं ये सब इनके मालिक लोगों को लेकर आए हैं, मैं समझता हूँ वो सब इनको हैंडल कर लेते हैं, इनको देख रेख कर लेते हैं और एक परंपरा जिसको हमेशा से देखिए, अपने आप महिला बहने बच्चे तमाम लोग बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। तो आपने
करुणा का एक उत्साह, एक उमंग इस त्यौहार को लेकर यहाँ पर नजर आ रहा है और हर वर्ग के लोग, चाहे महिलाएं बात करें चाहे लोग बात करें, वो इस त्यौहार को पिछले कई सालों से मनाते आ रहे हैं। और ये संयोग की बात करें, अभी तक यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हुई है, मगर आगे इस तरह की दुर्घटना ना हो इसका ख्याल यहाँ पर रखा जाना चाहिए। ये प्रशासन प्रशासन को ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। इस साल यहाँ 10 से ऊपर बैल जोड़ी आए हैं और हमारे परिवार माखन साहू भगवत साहू द्वारा एक कार्यक्रम करते आते बहुत पहले से हमारे बाबा द्वारा, उसके बाद हमारे बाप संभाली चीज ला, उसके बाद आज ये कार्यक्रम ला मैं हाँ संभालत हूँ। पुरस्कार 7151 सुरक्षित पुरस्कार 7100 और 6100 प्रथम पुरस्कार 5100 पुरस्कार सभी प्रकार को। मेरा नाम विजय साहू है, राम सगर पर। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरा मैन अजय गुज्जर को दे इजाजत, नमस्कार। कैमरा मैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।